नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपीएन न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। मुरादाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी ने 20,000 रुपए की घूस लेते बाबू को दबोच लिया। एंटी करप्शन ने ये ट्रैप कचहरी में खनन अधिकारी के दफ्तर से ही किया है। एक ग्रामीण से मिट्टी के खनन की परमिशन के बदले में खनन अधिकारी द्वारा 3 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। मूढ़ा पांडे निवासी मोहम्मद रफी ने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत की थी। उसने कहा था कि वो पिछले 3 साल से मिट्टी का काम कर रहा है। उसने इसके लिए शासन से परमिशन कराई थी। इसके बाद जिले में खनन अधिकारी से लेटर की जरूरत थी। इसी परमिशन लेटर की एवज में खनन अधिकारी राहुल सिंह ने 3 लाख रुपए मांगे थे। मोहम्मद रफी का कहना है कि जब वो खनन अधिकारी राहुल सिंह से मिला तो उन्होंने 3 लाख रुपए की डिमांड करते हुए बाबू शाहरुख से मिलने के लिए कहा। सौदेबाजी की बात 2 लाख रुपए में तय हुई। बाबू ने कहा कि वो अपने 20,000 रुपए अलग से लेगा। मोहम्मद रफी ने बताया कि घूस की रकम सेट होने के बाद वो एंटी करप्शन ब्यूरो में गया। उसने वहाँ खनन अधिकारी और बाबू की शिकायत की। बाबू ने 20,000 रुपए मोहम्मद रफी से ले लिया और उन्हें गिनने लगा। इतने में एसीबी के अधिकारियों ने उसे दबोच लिया।